हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यशवंत सिन्हा ने मोदी और राजनाथ से मांगा समर्थन। आडवाणी से आशीर्वाद, सोमवार को करेंगे नामांकन। अगले माह होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा प्रत्याशी व पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भाजपा के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से समर्थन मांगा है। 84 वर्षीय सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय वित्त व विदेशी मंत्री रह चुके हैं। आगामी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नितराजक ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है। मुर्मू ने शुक्रवार को पीएम मोदी समेत दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल कर दिया है। मुर्मू को कई गैर राजक दलों का भी समर्थन हासिल है, इसलिए उनकी जीत तय मानी जा रही है। लेकिन विपक्ष के साझा प्रत्याशी सिन्हा भी मैदान में डटे हुए हैं और वे सतत प्रचार अभियान भी चला रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने शुक्रवार को पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संपर्क किया। उन्होंने दोनों नेताओं से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने भाजपा के वयोवृद्ध व शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी से भी आशीर्वाद मांगा। अटल सरकार में आडवाणी उप प्रधानमंत्री रहे थे और उसी सरकार में सिन्हा केंद्रीय मंत्री थे। लंबे समय तक भाजपा में रहने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। मोदी सरकार -1 में उनके पुत्र जयंत सिन्हा वित्त मंत्री रहे थे। जयंत सिन्हा अभी भी भाजपा सांसद है, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार 2 में मंत्री नहीं बनाया गया था। इसी क्रम में यशवंत सिन्हा ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी फोन किया। सिन्हा ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी पार्टी झामुमो ने विपक्ष के साझा प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया था। सिन्हा शुक्रवार को झारखंड से प्रचार शुरू करने वाले थे, लेकिन अब झामुमो ने भी संथाल आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया है, इसलिए उन्होंने ये टाल दिया। सिन्हा 27 जून सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इस मौके पर विपक्ष के दिग्गज नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है। जागरूक टीवी के लिए नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।